हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NCERT केमिस्ट्री 12th क्लास पार्ट 2 के नेक्स्ट वीडियो के बारे में। चैप्टर 1 आपका चल रहा है और इसमें आज हम टॉपिक कवर कराएंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और बात करेंगे हम एल्केन के बारे में। एल्केन की पूरी जानकारी देंगे और साथ में आपको हाइड्रोकार्बन के, तो ये टॉपिक आज कवर कराने वाले हैं। तो देखते रहिए बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन। तो देखिएगा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन देखो, जैसे नाम से पता चल रहा, हाइड्रो और कार्बन, इसको तोड़ो। हाइड्रोकार्बन को तोड़ोगे तो आपको किस तरीके से टूटेगा, देखो। एक तो मिल रहा है आपको क्या, हाइड्रो, यानी कि हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रो तो कुछ नहीं होता, तो इसको पूरा कर देंगे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन तो है ही आपका, कार्बन। तो ये कितने भागों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन यानी कि H और C। तो यानी कि वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन क्या है कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, केवल हाइड्रोजन और कार्बन। जैसे एग्जाम्पल पे आप बात करी जाए, CH4 है, C2H6 है और C6H6 है, ठीक है, C2H2 है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, हाइड्रोकार्बन। और बहुत सारे ले लीजिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे C2H6, जितना भी है आप बढ़ाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके नाम है मैथेन, एथेन, ये बेंजीन हो गया, ठीक है ना, ये एथिलीन हो गया। तो आपको मतलब जैसे जैसे आपके नाम आएंगे, नाम बनाने भी सिखाएंगे हम आपके, ठीक है ना। तो अब आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझ में आ गया होगा, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। देखो कि वे यौगिक जिनमें केवल केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, या वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कैसे, संतृप्त और एक असंतृप्त। ये भाई ये दो नाम क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल और केवल एक बॉन्ड पाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड, क्या, सिंगल बॉन्ड बोले तो एक बॉन्ड। जैसे मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला खोलोगे तो आपको कैसा मिलेगा, CH4 है, प्रत्येक में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। C2H6 है एथेन, तो इसमें क्या होता है, सी और सी, एक एच और एक एच। तो इनमें क्या, सभी में एक बॉन्ड पा रहा है। तो ये देखो CH3 है, CH3, तो ये क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं इसमें। लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ये दोनों साथ साथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसमें या तो एक डबल बॉन्ड आ जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कितने भी आ जाए, कुल मिला के मतलब ये है किसी भी हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, असंतृप्त बोला जाता है। यानी कि ये असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड आता है, मैंने बिर बताई है पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया कि बेंजीन में कहाँ पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। और आपका C2H2 है, तो C2H2 का मतलब क्या है, CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। या फिर ऐसे करिएगा, इस H को बाहर ले जाइए, और ये जो वीडियो है मैंने 11वीं क्लास का जो एक पार्ट चल रही है हमारी सीरीज जनरल केमिस्ट्री के नाम से, तो उसमें मैंने ये आपका उसमें चल रहा था विभिन्न यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, तो उसकी वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें विभिन्न यौगिकों की संरचना खोल के बताई गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र वगैरह। तो ये जो है कार्बन कार्बन की भी
ट्रिपल बॉन्ड पाया गया। ऐसे ही आपका क्या है, C2H4 है। C2H4 क्या होता है, इसकी जो संरचना खोलोगे एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, तो ये C2H4 है, तो इसमें डबल बॉन्ड, तो ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपका C2H4 और C2H2, ये सारे के सारे असंतृप्त हैं, और ये संतृप्त है, ये संतृप्त है। संतृप्त का मतलब समझ में आया कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वे संतृप्त कहलाते हैं, और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके आपको एग्जाम्पल भी पता चल गए, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बनों का भी वर्गीकरण होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया, एथेन मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन आपका जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो ये क्या होते हैं, तो देखिएगा अब आ जाते हैं एल्केन पर, एल्केन क्या होते हैं। तो देखिएगा एल्केन के हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ेंगे एल्केन, फिर एल्कीन, और फिर पढ़ेंगे एल्काइन, ठीक है। धीरे धीरे करके हम ये सारे के सारे कंप्लीट करेंगे, फिर हेलो एल्केन, फिर हेलो एरिन, ये सारा कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका हेलो एल्केन, एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, तो एल्केन से नाम पता चल रहा है, अब हम देखिएगा इसकी परिभाषा बनाते हैं। एल्केन क्या होते हैं, उसमें वे यौगिक एल्केन कहलाते हैं जो, वे यौगिक एल्केन होते हैं जो जो ये तीन प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जो तीन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, कि वे जो एलिफैटिक होते हैं, कौन से होते हैं, एलिफैटिक, ठीक है, हिंदी पे मत जाना, ठीक है, एलिफैटिक होते हैं। दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात ये कि वे केवल असंतृप्त होते हैं, कैसे संतृप्त होते हैं। और तीसरी बात केवल उनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, और कोई तत्व नहीं, उनको क्या कहते हैं, ये क्या है, केवल एल्केन कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो देखिएगा अब देखो जरा परिभाषा कैसे बनी, वे यौगिक जो एलिफैटिक होते हैं, जो संतृप्त होते हैं, और जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, उन्हें एल्केन कहते हैं, और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और n बराबर कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब बात कही जाती है कि एलिफैटिक, जैसे ही आपके दिमाग में एलिफैटिक आया तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एलिफैटिक क्या होते हैं, कि जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है। ये हमने पहले बहुत अच्छी तरह से बताया, जिसने नहीं देखी है वीडियो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए उसकी वीडियो देख ले। दूसरी बात संतृप्त होते हैं, संतृप्त का मतलब अभी अभी हमने बताया कि संतृप्त कौन से होते हैं, जिनमें केवल एक बॉन्ड पाया जाता है। तीसरी बात इनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाते हैं, ये कार्बन तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही वर्गीकरण चल रहा है, तो हाइड्रोकार्बन तो इसमें मौजूद होगा। तो मोस्टली दो प्रॉपर्टी हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, वो कौन सी, कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच खुली श्रृंखला पाई जानी चाहिए, और ये एक बॉन्ड होना चाहिए, संतृप्त होने चाहिए, उनको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब इसके बात कर लेते हैं कि एन बराबर यदि मैं 1 लूंगा, इसको मिटाओ, ये एल्केन ही चल रहा है, कि मैं यदि यहाँ पे n बराबर 1 लूँगा, क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2। n बराबर यदि मैं 1 लूँगा तो क्या हो जाएगा, C1H2×1+2, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 × 2 और 2+4, तो ये क्या हो जाएगा, CH4, ठीक है। n बराबर यदि मैं 2 लूँगा, यहाँ पे 2 रखूँगा, तो C2H6 हो जाएगा, 2×2 = 4 × 2 = 6। n बराबर यदि मैं 3 लूंगा तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, और n बराबर मैं 4 लूंगा तो C4H10 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते
चले जाएगा। तो जैसे n बराबर 1 है तो इसका नाम मेथेन है, इसका नाम एथेन है, इसका नाम प्रोपेन है, इसका नाम ब्यूटेन है। ये कैसे आते हैं कि देखिएगा, अब मैं तुम्हें IUPAC नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये जो नाम आ रहे हैं तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड यदि आता है तो उसके लिए n लगाते हैं, और डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए ईन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए आयन लगाते हैं, क्या आईनो, ठीक है। और एक कार्बन के लिए, कार्बन एक हो तो उसके लिए मैथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैथ, और दो के लिए लगाते हैं एथ, भाई दो कार्बन होंगे तो लगाएंगे आप एथ, और तीन कार्बन होंगे तो उसके लिए लगाओगे आप प्रॉप, उसके लिए क्या लगाओगे प्रॉप, और चार के लिए लगाओगे ब्यूट, और पाँच के लिए लगाओगे पेंट। तो ऐसे तरीके से हम लगाते चले जाते हैं। तो हम क्या नाम बना देखना जरा, इसमें एक कार्बन है और सभी के बीच में हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये एल्केन है भाई। सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये एल्केन का वर्गीकरण चल रहा है और एल्केन में संतृप्त होना जरूरी है, वो संतृप्त होगा वही एल्केन होगा। संतृप्त का मतलब क्या है कि उसमें केवल और केवल एक बॉन्ड मिलेगा, ये बात हमने एल्केन में अभी आपको बताई है, और संतृप्त का मतलब पहले समझाया है। तो संतृप्त कौन, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, और एलिफेटिक कौन सा, जिसमें खुली श्रृंखला होगी, और आपका एक कार्बन है देखा CH4, यानी कि ये CH4 बन रहा है, तो ये वाला जो बनना है ये इसी का है CH4N बराबर वाला। तो C का मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन की मैथ और एक बॉन्ड लग रहा है, तो N, तो मैथ प्लस N, यानी मैथ प्लस N, तो क्या बन गया मैथेन। ऐसे ही दो कार्बन है तो दो के लिए एथ, और सभी में सिंगल बॉन्ड एथ प्लस N, एथेन, और तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए क्या प्रोप, भाई प्रोप प्लस N, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। ऐसे ही ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मतलब इसी तरीके से आपको बढ़ते चले जाना। IUPAC नाम अलग से बताऊंगा तब आपको और विस्तृत जानकारी दूंगा, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को पीछे करें फिर से देखें, और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो ये आपका हो गया मैथेन, मैथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। और आगे की ओर ऐसे बढ़ते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके एल्केन होते हैं, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, एल्केन की परिभाषा समझ में आ गई, जो एलिफैटिक होते हैं, जो संतृप्त होते हैं, और वे जो जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है और ये आपके बनते चले जाते हैं एल्केन बहुत सारे। फिलहाल आपको मैथेन, एथेन और ब्यूटेन वगैरह याद रख लेने हैं, चार जो मैंने नाम बताए हैं। क्या पहले पे क्या बनेगा मैथेन, दूसरे जैसे होता है मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कार्बनों की संख्या के आधार पर याद कर लेना। तो पहले कार्बन को मैथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, मतलब तीसरा का नहीं चार होंगे तो उसके लिए ब्यूट, और पांच होंगे तो पेंट, छह के लिए हेक्स, राइट। अब बात कर लेते हैं हम इसके आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं कि जहाँ कहीं पर भी आप समझ लेना एल्केन आ जाए तो आपको ये लेना है, ठीक है ना, ये वाला CH4, C2H6, C3H8, ये सब एल्केन है। एल्केन के बारे में एक बात और है, क्या है वो, ये बात देखिएगा, n बराबर 1 लूंगा तो मैं क्या बनेगा CH4 बनेगा, n बराबर 2 लूंगा तो C2H6 बनेगा, और n बराबर 3 लूंगा तो C3H8 बनेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है भाई, फॉर्मूला क्या था CnH2n+2, 1 लूंगा तो 1, 2 एकन 2 प्लस 2 4, भाई n की जगह 1 रखो 2 रखो 3 रखो 4 रखो, ऐसे रखते चले जाओ। फिर इसके बाद में n बराबर आपने 4 लिया, n बराबर 5 लिया, n बराबर 6 लिया, और ऐसे ही बढ़ते चले गए। 4 लोगे तो क्या आएगा C4H10, और C5 बराबर लोगे H12, और C6 लोगे तो 14। इसी तरीके से यानी कि कार्बन एक बढ़ेगा और हाइड्रोजन दो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे ही और चलते चले जाएंगे। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, फिर से ये इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके बाद ये तीन जो यौगिक हैं ये तो समावयवता नहीं प्रदर्शित करते हैं, समावयवता नहीं दिखाते हैं, और बल्कि ये दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं। यानी कि एन बराबर 4, यानी एन बराबर 3 के बाद के सभी
एल्केन के सदस्य समावयवता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एन बराबर वन, एन बराबर टू, एन बराबर थ्री ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब क्या कि मेथेन, एथेन और प्रोपेन समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। और एक और खास बात है कि एल्केन को हम दूसरे नाम पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इनको? पैराफिन, पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एल्केन को। राइट होगी बात? ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के मतलब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम, क्या एल्किल समूह। क्या बात करते हैं हम? एल्किल समूह एल्केन समूह, जैसे कि नाम से पता है एल्किल समूह, यानी कि कुछ ना कहीं हद तक एल्केन और एल्किल मिला जुला सा लग रहा है। तो हाँ बिल्कुल लग रहा है भाई। एल्केन क्या होते हैं? एल्केन क्या होते हैं? आपने देखा था CH4, C2, H6, C3, H8, ये सब एल्केन थे। और आगे की ओर बढ़ते चले जाओ, ये सभी के सभी क्या थे? एल्केन थे। हमारा एल्किल समूह की बात कर रहे हैं, तो एल्किल समूह की परिभाषा देखिए, एल्केन के यानी एल्केन के किसी एक एच परमाणु यानी किसी भी एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो जो शेष समूह बचता है उसी को एल्किल समूह कहते हैं। जैसे अब इसमें से एक एच चला जाएगा तो क्या बचेगा? आपका CH3 बचेगा। ये इसमें से एक एच चला जाएगा तो क्या बचेगा? C2H5 बचेगा। इसमें से एक एच चला जाएगा तो क्या बचेगा? C3H7 बचेगा। तो समझ में आई बात? नहीं आई कि एल्किल समूह की परिभाषा देखो कैसे बनाते हैं हम, कि एल्केन में एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो जो शेष समूह बचता है उसी को एल्किल समूह कहते हैं। यानी एल्केन में से, जैसे एल्केन ये क्या है? CH4 मेथेन है तो एल्केन ही, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें तो क्या बनेगा आपका? ये एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, CH3 बचेगा। इस CH3 को एल्किल समूह कहते हैं। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको R से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? तो एल्किल समूह की परिभाषा क्या बनेगी कि एल्केन से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो जो शेष समूह बचता है उसी को एल्किल समूह कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ध्यान रखना, जब कहीं पे भी R का नाम आ जाए तो दिमाग में तुरंत बात पहुंच जानी चाहिए कि R किसका हो जाएगा? CH3 हो सकता है और C2H5 हो सकता है और C3H7 हो सकता है और C4H9 हो सकता है। समझ में आती बात? और आगे क्यों बढ़ते हैं? एल्केन में से एक एक कम करते चले जाओ। जिस तरीके से इसका नाम मैथेन होता है इसीलिए इसका एल्किल समूह में इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मैथिल। इसका नाम एथेन होता है इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। इसका नाम आपका प्रोपेन होता है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। समझ में आ गई बात? तो इनके ये तीन नाम तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए और ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। समझ में आ गई? बिल्कुल बेस बना लो। और ये जो आपका जो कार्बनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है, चुटकियों में फुर्र हो जाएगी आपकी। जब तक ये नहीं पता होंगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ये पता होगी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप 100 में से 100 नंबर ले आओगे पूरे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये हो गए क्लियर। अब नेक्स्ट आगे की ओर हम इसमें बढ़ते हैं कि ये एल्किल समूह हो गया। तो अब एल्किल समूह के आधार पर एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? एल्केन का मतलब क्या कि एल्किल समूह में एक एच और जुड़ जाए तो एल्केन का जो फॉर्मूला बनेगा R सिंगल बॉन्ड H या RH। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया आर का नाम क्या है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है और C3H7 हो सकता है। यदि मैं इस पर H कर दूं, इसको H कर दूं, इसको H कर दूं, तो मतलब क्या हो गया? ये तो फिर से CH4 हो गया, ये फिर से C2H6 हो गया और ये फिर से C3H8 हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये फिर से एथेन बन गया। तो मतलब ये आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन बन गया। मतलब क्या कि फिर से ये क्या बन गए? एल्केन
हो गया। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या कि आर में यानी एल्किल समूह में एक एच आठ एक एच जुड़ जाता है तो क्या एल्केन बन जाता है। तो अब ध्यान रखना, अब बहुत वाली अगले जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो होगी आपकी वोल्टेज अभिक्रिया और फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि एल्केन बनाने की विधियाँ होंगी वो, और उसमें भी मैं आपकी क्या कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है केमिस्ट्री की ये सेकेंड पार्ट की, तो वो उसमें कराऊँगा आपको फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं ये दोनों, ठीक है। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि पांच रिएक्शन आ जाती हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वोल्टेज अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, तो ये क्या क्या होती हैं, तो इनके बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आज के लिए इतना ही। जो अभी जितना भी पढ़ाया है वो समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी समझाइए, उनको भी हमसे जोड़िए, और हम तो फीस वीस तो नहीं ले रहे लेकिन फिर भी आपको हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ने, ताकि उनका भी भला उसके और मैं भी आपको अच्छे से अच्छे और वीडियो देता रहूँ, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स की भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और मैथ जो जो पीसीएम स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी हम चाहते हैं, आप कितने बजे मैथ की लाइव क्लास चाहते हो, ठीक है, तो वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इतने बजे लाइव क्लास चाहिए। और मैथ का हम मैथ भी सेकंड पार्ट अभी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं एक दो दिन में, और आपका फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है, और आपका ये सब रेगुलर चलने वाला है, ठीक है ना। और मैथ का लाइव क्लास के लिए आपको हमें टाइम बताना है कि टाइम कितने बजे आपको लाइव क्लास लेनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा समझ में आया है आपको, बहुत अच्छा समझ में आया है तो अपने दोस्तों को हमसे जोड़िएगा, ठीक।